हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका भरत। में मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपको मेकअप इन 5 मिनट्स विद 5 थिंग्स ये बताने वाली हूँ। क्या हो जाता है, बहुत बार हम वर्किंग वूमेन होते हैं या फिर बेबी होने के कारण हम मेकअप नहीं कर पाते, बाहर जाना हो तो हम जैसे वैसे है कुछ फॉल्कम पाउडर वगैरह ऐसा कुछ लगा कर जल्दी से बाहर चले जाते हैं, लेकिन हम मेकअप नहीं कर पाते, कितना भी मन हुआ तो भी नहीं कर पाते। सेम वर्किंग वूमेन का भी होता है, उनको घर का भी मैनेज करना पड़ता है, बाहर ऑफिस का भी मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए वो हम मेकअप नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आज आपको 5 मिनट में मेकअप कैसे किया जाता है, वो भी मिनिमम थिंग्स के साथ हम मेकअप कैसे कर सकते हैं ये बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को एंड तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं मेकअप कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद बारी आती है स्किन केयर की। तो स्किन केयर में मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिप केयर के लिए यहाँ पे लिप बाम लगाया है, जो मेरा होममेड लिप बाम है। इसका वीडियो मैं 2 दिन में पोस्ट करने वाली हूँ चैनल पे, तो आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट है इस लिप बाम के, तो आप वीडियो देख लेना 2 दिन के बाद। उसके बाद बारी आती है फेस की स्किन केयर। प्लम का टोनर यूज़ किया है। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप डेली यूज़ के लिए भी टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्लम का टोनर है, अल्कोहल फ्री टोनर है, जो ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन टी के साथ है, जो हमारे उसको लगाने के बाद जो हमारे स्किन में एक फ्रेशनेस लाता है। और ये अल्कोहल फ्री होने की वजह से हमारे स्किन से ड्राइनेस और रेडनेस कम करता है। सो, ये टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं कहूँगी कि आप बिगिनर हो तो आप टोनर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक्ने के लिए या फिर डार्क स्पॉट कोई भी चीज़ के लिए टोनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो टोनर है ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये टोनर। उसके बाद बारी आती है क्रीम की, सनस्क्रीन की। तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना था, घर पे ही रहना था, तो मैंने अपनी सिंपल सी जो मेरी डेली यूज़ की क्रीम है, प्लम की ग्रेप एंड सीड सी एंड बकटोन क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये लगाई है। अच्छी क्रीम है ये, आप चाहे तो कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, लैक्मे के लीजिए या फिर एनी अदर कोई भी क्रीम आप ले सकते हो, प्लम की लीजिए या फिर गुड वाइब्स, कोई भी आप सनस्क्रीन आपके स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। ध्यान रहे कि उसमें अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी सेंसिटिव या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो वो ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, वो भी चल जाती है ड्राई स्किन के लिए, लेकिन ऑयली स्किन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव स्किन के लिए ऐसी चिपचिपी रहने वाली बहुत ज़्यादा चिपचिपापन होता है उसमें, वो सनस्क्रीन अच्छी नहीं रहती। उसके बाद बारी आती है फेस क्रीम की, जो डेली यूज़ की हमारी क्रीम रहती है उसकी। तो यहाँ पे मैंने रूपमंत्र की आयुर्वेदिक क्रीम ही है, जो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है, एक्ने के लिए बहुत अच्छे है, डार्क स्पॉट के लिए भी बहुत अच्छे है। आप अगर ये क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप दूसरी कोई भी क्रीम ले सकते हो, जैसे कि लैक्टोकैलेमाइन हो गई, लैक्मे की बीबी क्रीम हो गई, या फिर पॉन्ड्स की बीबी प्लस क्रीम हो गई। ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट वाली क्रीम है, तो आप ये क्रीम ले सकते हो। मुझे ये क्रीम सूट हो गई तो मैंने लगाई, तो इसके मैं इस क्रीम को मैंने अपने फेस पे टैप टैप करके लगा लिया है, पूरी तरह से इसको मैंने अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया है, साथ ही साथ मैंने इसको अपने नेक पर भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो सिर्फ क्रीम लगाने से हमारे चेहरे में एक अच्छा सा ग्लो दिखने लगता है, तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से ही क्रीम लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है, जो कि मियोन का है, जो ऑयल फ्री है। मेरी ऑयली स्किन होने की वजह से मैंने यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो सारे ऑयली स्किन के हिसाब से ही है, तो आप अपने आपके स्किन टोन के हिसाब से ही प्रोडक्ट लीजिए।
कॉम्पैक्ट लगाते समय अगर आप ब्रश से कॉम्पैक्ट लगा रहे हो तो डायरेक्टली कॉम्पैक्ट ब्रश से लेने के बाद अपने चेहरे पे मत अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा उसको टैप टैप कीजिए, उसके बाद आप अपने चेहरे पे उसे लगाइए, क्योंकि क्या हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट आ जाता है और हम डायरेक्टली अगर वो फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा ऐसा ब्राइट ब्राइट हो जाता है वहाँ पे और वो हमें क्लीन करने में दिक्कत लाता है। सो इसके लिए डायरेक्टली आप मत अप्लाई कीजिए, टैप टैप कीजिए, उसके बाद अपने फेस पे उसे अप्लाई कीजिए और अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ब्रश के हेल्प से आप बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट स्प्रेड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नेक पर भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है, आप चाहे तो एनी अदर कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना जो लोकल मार्केट से लिया था वही कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और उसे मैं अच्छे से अपने चेहरे पे स्प्रेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट आपको बताया जैसे कि टोनर हो गया, वो क्रीम हो गई या फिर मेरी डेली यूज़ की क्रीम हो गई रूपमंत्रा की, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नोज़ पे हाइलाइटर की जगह कॉम्पैक्ट ही लगा लिया है क्योंकि मैं हाइलाइटर डेली उसके मेकअप के लिए हाइलाइटर लगाना अच्छी बात नहीं है या फिर नहीं लगाते बहुत जन में, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में रहते तो नहीं लगाते, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉम्पैक्ट ही वहाँ पे अप्लाई कर लिया तो वो अच्छे से चमकता है, थोड़ी देर के लिए ही चमकता है लेकिन अच्छे से चमकता है। उसके बाद बारी आती है आई मेकअप की, तो आई मेकअप हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो फ्रंट में रहते हैं, अगर हमारे आई अच्छे है दिखते हैं तो ही हमारा फेस अट्रैक्टिव दिखता है। तो आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने मैक का लाइनर यूज़ किया है। अगर आप लाइनर नहीं लगाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर आपके डेली मेकअप में आई लाइनर ऐड करोगे तो वो आपके आईज़ को एक अच्छा लुक देगा, एक प्रिटी लुक देगा और आपके आँखों में चार चांद लगा देगा। सो यहाँ पे मैंने अपने एक आईज़ को लाइनर लगा लिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी थोड़ी, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं है तो मत लगाइए लाइनर, आपको नहीं अच्छा लगता तो, लेकिन एक अच्छा लुक लाने के लिए लाइनर बहुत ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पर मैक का लाइनर लिया है जो वाटरप्रूफ है। अब मैं अपनी दूसरी आईज़ में लाइनर लगा रही हूँ, मुझे भी एक आँख में लाइनर लगाते समय प्रॉब्लम आता है लेकिन अभी प्रैक्टिस के हिसाब से अभी थोड़ा थोड़ा मुझे जमने लगा है। हमें यूट्यूबर्स को ज़्यादा देर तक मेकअप नहीं रहने देना पड़ता है, तुरंत वीडियो ख़त्म वीडियो शूट करने के बाद हमें निकाल लेना पड़ता है, सो इसलिए हमें लाइनर वगैरह ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगाते समय मेरा लाइनर थोड़ा स्प्रेड हो गया, तो अभी ये बर्ड्स के हेल्प से मैं वो क्लीन कर रही हूँ। बर्ड्स की एक बाजू मैंने थोड़ी गीली कर ली पानी के हेल्प से और उसको मैंने जहाँ पे फैला हुआ है लाइनर वहाँ पे हल्के हाथ से उसे प्रेस करके मैंने वो निकाल लिया है। ऐसा करने से क्या हो जाता है, आपका जो लाइनर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, जो फैला हुआ रहता है और आपके सारे मेकअप को भी ख़राब नहीं करता। तो ये बर्ड्स हमारे लाइनर को इजीली क्लीन कर देता है जो फैला हुआ लाइनर रहता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे काजल लगाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैंने आइकॉनिक लैक्मे का आइकॉनिक काजल पेंसिल लिया है। तो काजल भी आपके, काजल तो हर किसी के पास होता है, काजल लगाना ही चाहिए, हमारे आँखों के लिए ही काजल रहता है और आँखें भी काजल के लिए बनी रहती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो काजल लगाने से भी हमारे आँखों में बहुत अच्छी चमक आ जाती है, हमारी आँखें बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, तो हमें काजल और लाइनर लगाना ही चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन 30 सेकेंड्स में आपका काजल लग जाता है, तो आपको काजल लगाना ही चाहिए। उसके बाद बारी आती है लिप मेकअप की, तो लिप मेकअप के लिए यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर लिया है जो 08 नंबर का है। तो ये मैं थोड़ा पिंकिश शेड है, अभी मेरी डस्की स्किन होने की वजह से मुझे यही सूट करता है यही कलर अपने स्किन पे। आप अपने स्किन टोन के हिसाब से लिप कलर चूज़ करते हो, डेली चूज़ कर सकते हो, जैसे आप
कोई भी कलर ले सकते हो, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। रेड तो डेली यूज़ के हिसाब से हम नहीं रख सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वो फंक्शन के लिए अच्छा लगता है। तो आप एनी अदर कलर ले सकते हो और आपके लिपस्टिक के साथ आपका पूरा मेकअप या फिर आपका पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसको लगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कोई भी लिपस्टिक ले सकते हो, लेकिन आपको लिपस्टिक आपकी स्किन टोन के हिसाब से ही लेनी है। तो यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। जैसे मैंने 5 मिनट में बोला तो 5 मिनट में मेकअप हो गया। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ कि आप अगर आपके बाल शॉर्ट है तो आप खुले छोड़कर ही वर्किंग वूमेन है तो ऑफिस के लिए जा सकती हैं, या फिर नहीं आपको उसे खुले रखना है तो आप कोई भी सिंपल सी जैसे मैंने कि यहाँ पे वो आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। ये हेयर स्टाइल आपके लॉन्ग हेयर है तो भी सूट होगी, अगर आपके शॉर्ट हेयर है तो भी आपके फेस को सूट करेगी। बहुत जल्दी बन जाती है ये हेयर स्टाइल, इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो आप भी ये मिनिमम थिंग्स के साथ जो मेरा मेकअप है जो आपको एक प्रिटी लुक देता है, तो आप भी ये मेकअप ट्राई कीजिए और कम समय में बनता है नहीं है मुझे कमेंट करके बोलिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बाय बाय।